जिसको बोलते हैं पगारा, एक कीड़ा होता है गोबर खाने के बाद, जैसे अर्थवर्म होता है ना वैसे ही, ये उसकी बड़ी वैरायटी है। मेरे को दिखा? जैसे अर्थवर्म तो पतला होता है, ये मोटा होता है। मेरे को दे दो भाई को, मेरे को दे दो। खाइए मत। मेरे को डर लगता है। ये कुछ नहीं करता, इसको ऊपर डाल दो। कौन लाया गोबर? तब मेरे को दर्द नहीं लगा। ठंडा पानी हो, बीमार नहीं होगी भैंस? गांव पर होगे ना रे। हाँ, किसकी भैंस है? ताऊ जी की है कि भाभी जी की है? भाभी जी की है। भाभी जी का नाम लिखा है क्या भैंस पे? ये किससे नहला रहे, शैम्पू से? हाँ। कौन सा शैम्पू है? हेड एंड शोल्डर। वो भाई साहब, हेड एंड शोल्डर पानी डाला था, पानी के फवारा मार उस पर, तभी तो मजा आएगा भैंस को। चलो गोबर डालने। कहाँ पे जाओगे? उधर गोबर डालने। चलो मैं कर रहा हूँ। चलो 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 सोना, तेरे को पता नहीं गोबर कहाँ पे रखा है? कहाँ पे रखा गोबर? हाँ, यहाँ पे भरेंगे हम गोबर, ठीक है, पूरा कट्टा। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सुबह के अभी 9:30 बज रहे हैं। आज मैं बच्चों को काम पे लगाने वाला हूँ, तो यहाँ पे लगाऊंगा मैं लेटस। तो अभी इस पे मिर्ची लगाई हुई थी, तो मिर्ची को उखाड़ के, तो मिर्ची के पौधे सारे उखाड़ने और यहाँ पे लगाऊंगा मैं लेटस। पहले पौधे उखाड़ने, ठीक है, मिर्ची के पौधे उखाड़ने पहले। मेरे को नहीं आता पौधे मारने। चलो उखाड़ो ऐसे, ठीक है, मिट्टी यहीं पे रखनी है, ऐसे उखाड़ने, ऐसे और ऐसे मिट्टी यहीं पे झाड़नी है, ठीक है। मिट्टी में तो झाड़े से उसकी मिट्टी ऐसे झाड़नी है। तन्नु क्या कह रही? ये क्या है? ये हल्दी है, देख। ये क्या? ये हल्दी। पापा शाम शाम नहीं आए। रुको पापा, मैंने बोला था ना शाम शाम। ये सोने इसको मार क्या? कहाँ? यहाँ पे। यहाँ पे। भैंस को मत दियो। यहाँ पे रख दे। चलो अमीर, वो हल्दी है, ज्वारी हल्दी है, ज्वारी हल्दी हल्दी ज्वारी है, ज्वारी। इसमें अब गोबर लाएंगे, ठीक है, तैयार हो गोबर लाने के लिए? तो गोबर लेने चलो, गोबर लाने बाबू। चलो हैं, कौन लाया गोबर? तब मेरे को दर्द नहीं लगा। ये बोल मैं बीमार तो ना भी तेरा गोबर लाने। ये पेपर तो ना वाड़ बैठा, ठंड वन बैठा थे ना, गोबर डालने आया फटाफट यार। अब लोग काम की जगह ना टाइम पास कर रहा, तो वैसा ना वाड़ना तो मैं जो दुकान ना तो बैठा है, पाइप से नहला रखे भैंस को। अब तो ठंडा पानी है, ठंडा पानी से क्यों नहला रहे? कौन पानी? आगे पानी, पाइप फटा हुआ पूरा, नया पाइप ला दो। अब भैंस बीमार नहीं हो, ठंडा पानी हो, बीमार नहीं होगी भैंस? गांव पर हो ना रे। हाँ, तो चिल्ड पानी है, तो गर्म पानी करता रोड पे। तो ये दो भैंस है मेरे ताऊ जी की भैंस है, एक बड़ी भैंस है, एक छोटी भैंस। भैंस कब ब्याहने वाली है? हैं? किसकी भैंस है, ताऊ जी की है कि भाभी जी की है? भाभी जी का नाम लिखा है क्या भैंस पे? ये किससे नहला रहे, शैम्पू से? कौन सा शैम्पू है? वो भाई साहब, हेड एंड शोल्डर। भैंस को भी जो है हेड एंड शोल्डर से नहलाते हैं। किसने बोला? तेरी मम्मी ने बोला कि भैंस नहला देंगे। उसे नहला भाई उसको। कॉफी खाएगा
पानी डालो फिर पानी के फवारा मारो उस पर, तभी तो मज़ा आएगा भैंस को, भैंस को मज़ा आ रहा है। उसके बाद तेरे को भी नहलाते हैं नब्बू, ठीक है, पाइप से। चल गोबर डालने काफी जाओगे, उधर गोबर डालने, कट्टे निकाल, ले पकड़ कट्टा। कूलर कहाँ रखा? वहाँ ऊपर है। चलो मैं करा आज, चलो चलो तुम चलो चलो सोनू, सीधे चलना सीधे। तेरे को पता नहीं कहाँ पे गोबर हमारा, तेरे को पता नहीं गोबर कहाँ पे रखा है? कहाँ पे रखा गोबर? ऊपर। हाँ यहाँ पे हमारा गोबर, ठीक है, इधर ऊपर। चलो यहाँ पे भरेंगे हम गोबर, ठीक है, पूरा कट्टा। जिसको बोलते हैं पगारा, एक कीड़ा होता है। मेरे को दिखाओ। ये गोबर को ना और भी बारीक बनाता है। मेरे को दिखाओ। ये होता है पगारा, काटता नहीं है। दिखाओ। ये केवल गोबर खाता है, ये केवल गोबर खाता है। और गोबर खाने के बाद जैसे अर्थवर्म होता है ना, वैसे ही ये उसकी बड़ी वेराइटी है। मेरे को दिखाओ। जैसे अर्थवर्म तो पतला होता है, ये मोटा होता है, इसको पहाड़ी लैंग्वेज में हम पगारा बोलते हैं। मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, खाइए मत। ये कुछ नहीं करता, इसको ऊपर डाल दो ऐसे। ये केवल गोबर खाता है, ये केवल गोबर खाता है, कुछ नहीं करता, काटता नहीं है, ऐसे गोबर में रखते। ये गोबर का ना और बारीक बनाता है। ये गोबर के अंदर ही रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पगारा, पहाड़ी भाषा में पगारा बोलते हैं इसको, पगारा। तो यहाँ पे हमने गोबर डाल दिया है, तो अभी इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे पूरा गोबर डाल दिया, तो इसको अभी ऐसे ही छोड़ेंगे, फिर इसकी खुदाई करेंगे, तो इसमें और गोबर डालना पड़ेगा, उसके बाद लगाएंगे इसमें। और उसके बाद इतना धुआं क्यों लगाया भाई तुमने? कहाँ लगाया धुआं? इतना क्यों लगाया तुमने धुआं? पूरा प्रदूषण कर दिया तूने यहाँ पे, भैंस बीमार हो तब क्यों बोल? ठंडे पानी से नहला रहा हूँ। गोबर भी निकाल तू, गोबर घास भी लाता है, खाना भी बनाता है। तो देखो पहाड़ों में जो है बच्चे ही पूरा काम करते हैं, स्कूल भी जाते हैं, घर का काम भी करते हैं। भैंस को चमका दिया तूने, साइन मार रही है भैंस, भैंस साइन मार रही है, साइन। ये तो तेल भी लगाना थोड़ा, सरसों का तेल, सरसों के तेल से मालिश कर। जब इतना इतनी मेहनत कर दी तूने, नहला दिया, तो तेल की मालिश भी कर दे। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।